नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल्ट न्यूज से। तबरेज अंसारी की भीड़ हत्या के विरोध में 30 जून को यूपी के मेरठ में एक शांति यात्रा निकाली गई। इसी संबंध में 1 जुलाई को हिंदुस्तान के मेरठ एडिशन में यह खबर छपी कि इस प्रदर्शन में आईएसआईएस के झंडे लहराए गए। खबर में यह भी लिखा था कि बीजेपी के नेताओं ने पुलिस से इस संबंध में शिकायत की थी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का हिंदी अखबार है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि हिंदुस्तान के ऑनलाइन एडिशन में इसी खबर को एक क्वेश्चन मार्क के साथ पेश किया गया था, जबकि अखबार में जो खबर छपी है उसके साथ दो तस्वीरें भी हैं। पहली तस्वीर में सफ़ेद और काली पट्टी वाला एक झंडा दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में दो काले झंडे नज़र आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के मेरठ एडिशन में छपी इस खबर में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। खबर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिस वजह से पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया। ऑल्ट न्यूज ने इस संबंध में मेरठ के एसपी अखिलेश नारायण सिंह से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि उन्होंने इस रैली में आईएसआईएस के झंडे नहीं देखे। जब हमने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में यह खबर छपी है कि बीजेपी नेताओं द्वारा इस रैली में आईएसआईएस के झंडे लहराए जाने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने बताया कि यह रैली तबरेज अंसारी की हत्या के विरोध में थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों के पास इस रैली को निकालने की परमिशन नहीं थी, जिस वजह से एक नोटिस भी जारी किया गया है। इस रैली में हुई हिंसा के बारे में एसपी अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और एम्बुलेंस जाने से भी रोक रहे थे। जहां तक इन दोनों तस्वीरों का सवाल है, एक तस्वीर में दो काले झंडे दिख रहे हैं। काले झंडे ज़्यादातर विरोध के मकसद से उपयोग किए जाते हैं। दूसरी तस्वीर में जो झंडा दिख रहा है वो आईएसआईएस का झंडा नहीं, बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद का झंडा है। जमीयत उलेमाए हिंद इस्लामिक विद्वानों का पुराना संगठन है और इसके झंडे और आईएसआईएस के झंडे में काफ़ी अंतर है। इस तरह हिंदुस्तान की खबर कि मेरठ की प्रदर्शन रैली में आईएसआईएस के झंडे लहराए गए, गलत ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। धन्यवाद।